तो दोस्तों Realme 5 Pro के लॉन्चिंग के वक्त माधव सेठ ने कंफर्म किया था कि सितंबर के महीने में आपको देखने को मिलने वाला है Realme XT स्मार्टफोन, जो कि आने वाला है 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ। और दोस्तों ये इंडिया का पहला 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन होने वाला है। पर दोस्तों इस स्मार्टफोन के साथ आपको एक और स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, जिसका कुछ आज लीक्स निकल के सामने आया है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के साथ आपको Realme XT Pro भी देखने को मिलने वाला है, इसी का एक बड़ा वेरिएंट, जो कि आने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइनिंग से। तो दोस्तों Realme XT और Realme XT Pro दोनों स्मार्टफोन में आपको इस बार देखने को मिलने वाला ग्लास बैक का सपोर्ट, जो कि Realme का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन के ग्लास में आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। और इस स्मार्टफोन में आपको 2-3 कलर वेरिएंट का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि प्राइमरी 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला है। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था कि Realme XT में आपको 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आने वाला था। और दोस्तों Realme XT Pro में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों Realme XT के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाला है या एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। पर दोस्तों इस स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा कितने मेगापिक्सल का होने वाला है इसके बारे में कंफर्मेशन आ गई है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों Realme XT Pro में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और हमें प्रीवियस स्मार्टफोन Redmi K20 में देखने को मिला था। उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि प्राइमरी 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों Realme XT Pro में देखने को मिलने वाला है 4500 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला 20W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड क्यू का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि कलर ओएस 6 के साथ आने वाला है। और इस स्मार्टफोन में आपको 2 रैम वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है, 6/128 और 8/256 GB। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइसिंग की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको 21,999 रुपए देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट आपको 25,000 रुपए के करीबन देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को इंडिया में सितंबर के महीने में लॉन्च किया जाएगा, जैसा कि माधव सेठ ने ऑफिशियली कंफर्म किया था Realme 5 Pro के लॉन्चिंग इवेंट में। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कंफर्म लीक्स, जो कि निकल के सामने आई थी और मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।